दिन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं आयनिक साम्यवस्था का अगला वीडियो, जिसमें हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे अम्लों व क्षारों का सिद्धांत। और बच्चों, अम्ल और क्षार के बारे में तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और रिवाइज कराएंगे, आपको याद दिलाएंगे वो चीजें जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी हैं। तो उसको बोलते हैं स्वीकृत या मान्य या प्रचलित धारणा या सिद्धांत। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो अम्ल और क्षारों के लिए आपने छोटी क्लास में जानी थी। तो देखिए, हमने पेपर के दो भाग किए हुए हैं, एक तरफ हमने अम्ल और दूसरी तरफ हमने क्षार लिया हुआ है। तो दोनों को हम लोग एक साथ अध्ययन करेंगे और इनका अंतर भी हमको पता चल जाएगा। तो अगर आपके पास अम्ल है तो उसका जलीय विलयन बना लीजिए, और अगर जलीय विलयन में अगर आप नीली लिटमस को डुबोते हैं तो वह लाल कर देगा, लाल पे कोई असर नहीं करता है अम्ल। लेकिन अगर आपके पास क्षार का जलीय विलयन है तो क्षार वह पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन नीले पे कोई असर नहीं करता है। अंतर ध्यान रखिएगा, अगर आप अम्ल के जलीय विलयन को जीभ पे लगाते हैं तो वह खट्टा स्वाद देता है। आपने देखा होगा जब आप चाउमीन खाते हैं तो वहां पर वह एक विनेगर या एसिटिक अम्ल यूज करता है जिसका स्वाद खट्टा होता है। बच्चों, अगर वह क्षार है तो जीभ पर लगाने पर वह कड़वा स्वाद देगा। आपने देखा होगा कॉफी का स्वाद भी थोड़ा कड़वा लगता है। अगला देखिएगा बच्चों, कि जो आपके अम्ल होते हैं वह क्रियाशील धातु के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, लेकिन आपका अगर क्षार है तो क्षार का जलीय विलयन त्वचा पर छूने पर चिकनाहट पैदा करता है। क्या आपने कभी साबुन और सर्फ के पानी को स्किन पे रब किया है? अगर आप त्वचा पे रब करेंगे तो वहां पर भी आपको चिकनाहट महसूस होती है, ये तो आप डेली करते हैं। देखिए, हमारा सोडियम धातु को जब HCl अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो NaCl लवण बनता है और H2 गैस मुक्त करती है। तो जितने भी अम्ल हैं वे क्रियाशील धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और लवण बनाते हैं। अगला देखिएगा बच्चों, अगर आपका अम्ल है तो वह क्षार के साथ क्रिया करके लवण व जल देता है। आप जानते हैं अम्ल जब भी क्षार के साथ क्रिया करेगा तो वह उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है, जिसमें लवण बनता है और जल बनता है। HCl अम्ल NaOH क्षार के साथ क्रिया करके उदासीनीकरण करता है, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और लवण NaCl और जल H2O में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्षार भी अम्ल से क्रिया करके लवण देता है और जल देता है। KOH क्षार HNO3 अम्ल के साथ उदासीनीकरण क्रिया करके KNO3 लवण और H2O जल का निर्माण करता है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बिंदुओं की पुनरावृत्ति करी है, फिर से याद किया ये जो वो पॉइंट है जो हमने छोटी क्लास में अम्ल और क्षार के बारे में जाने थे। लेकिन अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं और बड़ी क्लास में ये प्रचलित धारणाएं, ये पुराने मान्यताएं नहीं चलती हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो इनसे नहीं हो पाते हैं, तो उनको करने के लिए आपको आधुनिक सिद्धांतों का ज्ञान होना जरूरी है। बच्चों, 3 सिद्धांत दिए गए हैं किसी भी अम्ल या क्षार की व्याख्या करने के लिए। तो आइए इन 3 सिद्धांतों को जान लेते हैं, क्योंकि ये हमको पढ़ना है। अम्ल व क्षारों के लिए यहाँ पे 3 आधुनिक सिद्धांत हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में। पहला है आर्नियस का सिद्धांत, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड व लोरी का सिद्धांत, और तीसरा है लुईस का सिद्धांत। तो आइए अब जानते हैं पहले सिद्धांत को जो दिया था आर्नियस ने अम्ल व क्षारों के लिए, आर्नियस का अम्ल क्षार सिद्धांत। बच्चों, वह रासायनिक पदार्थ जो जल में घुल के HIN देता है आर्नियस अम्ल कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HCl को जब आप जल में घोलते हैं तो ये HIN एक्वस और Cl- एक्वस में विभक्त हो जाता है। एक्वस का मतलब आप जानते हैं जलीय विलयन, अर्थात HCl का जलीय विलयन में HIN और Cl- की प्राप्ति हो रही है, तो HCl आर्नियस अम्ल कहलाता है। वह रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वह आर्नियस क्षार कहलाते हैं। NaOH को जब जल में घोलते हैं तो जल में ये Na+ और OH- मुक्त करता है, अर्थात NaOH हमारा आर्नियस क्षार होगा। तो बच्चों, आपको क्लियर हुआ आर्नियस सिद्धांत क्या कहता है? आर्नियस सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी रासायनिक पदार्थ जो जल में घुल के HIN देता है वह आर्नियस अम्ल होगा, और जो जल में घुल के OH- देता है वह आर्नियस क्षार होगा। लेकिन बच्चों, दिक्कत ये है कि यह सिद्धांत सारे अम्ल व क्षारों के लिए लागू नहीं होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आर्नियस के दोष और कमियों से। तो आइए अब जानते हैं आर्नियस अम्ल क्षार सिद्धांत की कमियां या दोषों के बारे में। पहला है, किसी भी अम्ल के HIN जलीय विलयन में मुक्तावस्था में नहीं मिलते हैं, अपितु हाइड्रोनियम आयन
H3O+ के रूप में मिलते हैं। सच समझ में नहीं आया तो बच्चों एक उदाहरण की सहायता से मैं स्पष्ट करता हूँ आपको। देखिए आर्नियस ने कहा था कि जब HCl को जल में घोलते हैं तो वह HIN और Cl आयन मुक्त करता है, लेकिन जो वास्तविक अवस्था है वह यह है कि HIN कभी भी जलीय विलयन में मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, वह जल के साथ क्रिया करके H3O+ या हाइड्रोनियम आयन में मुक्त हो जाता है। आर्नियस का सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि आर्नियस अमल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल के HIN देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए HIN तो आपको जलीय विलयन में टेक्निकली मिलता ही नहीं है, बल्कि मिलता क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो जिस बात पे आर्नियस अड़ा हुआ था वह बात ही गलत सिद्ध हो गई, अर्थात जल में HIN नहीं मिलता है बल्कि हाइड्रोनियम आयन मिलता है, जिसकी आर्नियस ने कोई व्याख्या नहीं की थी। आर्नियस बोलता है कि अमल जो होते हैं वो जल में जलीय विलयन में HIN देते हैं, लेकिन वास्तविक अवस्था में HIN न मिलके हमको हाइड्रोनियम आयन मुक्त अवस्था में मिलते हैं। क्या ये आपको स्पष्ट है? दूसरी कमी को लेते हैं बच्चों, यह सिद्धांत केवल पदार्थों के जलीय विलयन पर ही आधारित है, किसी अन्य अवस्था जैसे ठोस अवस्था या गैसीय अवस्था पे यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगर आपके पास किसी पदार्थ का जलीय विलयन है तो आप अमल व क्षारों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में या गैसीय अवस्था में, तो आर्नियस सिद्धांत ये स्पष्ट नहीं कर सकता कि वह ठोस पदार्थ या गैसीय पदार्थ अमल होगा या क्षार होगा। उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हैं, SO3 गैस HCl गैस के अमलीय गुण को यह स्पष्ट नहीं करता है। अमोनिया गैस क्षारीय होती है परंतु यह स्पष्ट नहीं करता है। बच्चों अभी बताया था कि यह केवल जलीय विलयन पर ही लागू होता है, जलीय विलयन में ही आप बता पाओगे कि अमल है या क्षार है, लेकिन अगर आप गैस ले लें या फिर आप ठोस ले लें और आपके पास जलीय विलयन नहीं है तो आप कभी भी आर्नियस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि वो पदार्थ अमलीय है या क्षारीय है। जैसे SO3 गैस HCl गैस ये अम्लीय प्रकृति वाली होती है, उसी प्रकार अमोनिया गैस क्षारीय प्रकृति वाली होती है, लेकिन आर्नियस सिद्धांत इसकी पुष्टि नहीं करता है। अब मैं आपको ये उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। देखिए जब SO3 गैस को जल में घोलते हैं तो वह H2SO4 का निर्माण करता है, ऐसा आपने पी ब्लॉक में ओस्टवाल्ड सिद्धांत में पढ़ा होगा, और H2SO4 हमारा आयनित होके हमको H+ और HSO4 देता है, लेकिन आर्नियस सिद्धांत SO3 को अम्लीय प्रकृति वाली गैस नहीं मानता है। इसी प्रकार अगर आप अमोनिया को जल में घोलते हैं तो वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आयनित होकर आपको NH4+ और OH- देता है, तो अमोनिया भी हमारा क्षारीय गैस है, लेकिन आर्नियस सिद्धांत इन दोनों की पुष्टि नहीं करता क्योंकि वह जलीय विलयन पर आधारित है, ठोस या गैसीय अवस्था पे नहीं। तीसरी कमी ये है बच्चों की, जैसे BCl3, BF3, AlCl3 बच्चों ये अम्लीय प्रकृति वाले पदार्थ होते हैं, लेकिन आर्नियस सिद्धांत के द्वारा हम इन तीनों पदार्थों की पुष्टि ये नहीं कर सकते कि ये अम्लीय क्यों होते हैं। तो बच्चों हमने आर्नियस अमल क्षार सिद्धांत की तीन कमियां या तीन दोष देखे हैं, इनसे आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि आर्नियस का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है। इसीलिए आधुनिक सिद्धांत में तीनों सिद्धांतों का एक साथ अध्ययन किया जाता है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूरा नहीं है, जो इसकी आर्नियस की कमियां या दोष थी वो बाकी बचे हुए दो सिद्धांत उनकी पुष्टि कर देते हैं।